हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है वट सावित्री और मैं उठी हूँ सुबह 5 बजे। तो ये है हमारे बेडरूम से बाहर का व्यू। अभी मैं जो है वो रेडी हो चुकी हूँ नहा वहा के। तो सबसे पहले जो है वो मैं किचन में आके तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इस पूजा में ना बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, छोटी छोटी तैयारियाँ होती हैं, उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो आज बनाने हैं मीठे पुए, यानी कि मीठी पूड़ी। तो उसके लिए मैं जो है वो उसका पानी तैयार कर रही हूँ। तो जितनी चीनी उतना ही पानी, तो आधी कटोरी चीनी ली है, आधी कटोरी पानी, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुए होते हैं वो सिर्फ मैं खाती हूँ, ये कुछ ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं। तो मैं उतना ही बनाती हूँ कि पूजा में हो जाए और 3-4 मेरा खाने के लिए हो जाए, एक्स्ट्रा रख के क्या ही फ़ायदा होगा। तो बस जो है वो मैंने पानी चढ़ा दिया है और अभी मुझे बनाना है पूड़ी और बनाना है पुए। और हमारे यहाँ बनता है गोल गोल आटे का, मीठे आटे का बारा, उसको बरगद बोलते हैं हमारे यहाँ, सबके यहाँ अलग अलग होता है। तो वो बनता है, दिए बनते हैं मीठे आटे के ही, और दो तीन चीज़ें ऐसे कुछ और बनती हैं। तो वही जो है आज मुझे सब कुछ बनाना है। तो मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे और सीधे झाड़ू पोछा करके और नहा ली थी, क्योंकि पानी वानी सुबह पीना नहीं होता है, चाय नहीं पीनी होती है। और मेरी थोड़ी ख़राब आदत है सुबह उठ के चाय पीने की, मतलब जैसे डेली में उठती हूँ तो ये ऑफिस जाते हैं उस टाइम मैं चाय पीती हूँ, इनका लंच वगैरह बनाने के बाद इनके साथ ही चाय पीती हूँ। तो अभी मैं लगा रही हूँ मीठे पुए का आटा। तो इसमें जो है वो मैंने थोड़ा सा डाला है देसी घी, और चीनी वाला जो पानी मिलाया था बस उसमें चीनी घुल जाए उतना ही हमको जो है चाहिए होता है, कोई ऐसे चाशनी वाशनी नहीं बनानी होती है। तो बस उसी से ही जो है वो हम थोड़ा थोड़ा डाल के और आटा गूंद लेंगे। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं टाइट होना चाहिए आटा, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल आटा जो है हम उसे मार लेंगे। उसके बाद उसको थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो जब तक जो है वो मेरी पूड़ी बन के तैयार होंगी तब तक आटा जो है वो अपना ठीक हो चुका होगा, सेट हो चुका होगा। तो इसको मैं ढक के जो है वो रख देती हूँ और जो है वो अब जल्दी से बना लेती हूँ पूड़ी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इनके ऑफिस जाने से पहले ही मैं जो है वो पूजा वूजा सब करके फ्री हो जाऊं। भगवान का बाद में तो पूजा मतलब उसकी जो प्रॉपर पूजा होती है डेली वाली वो तो बाद में ही करूंगी, पर अभी जो है वो ये ब्रह्मावस वाली पूजा जो है वो मैं सोच रही हूँ इनके सामने ही कर लूं, क्योंकि जो है फिर ये होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी क्या है कि भगवान की पूजा करने में फिर तो ये जो हमारी डेली वाली पूजा होती है तो केशव को तैयार करने में और उसमें काफ़ी समय चला जाता है, क्योंकि आज मैं जो है वो उनको भी अच्छे से तैयार करने वाली हूँ, राधा रानी बनाने वाली हूँ, तो उसमें काफ़ी टाइम जाएगा। तो पहले मैं अपना पूजा वूजा करके फ्री हो जाऊँगी, चाय वाय पी लूँगी, उसके बाद जो है फिर मैं उन्हें तैयार कर लूँगी। तो अभी जल्दी से जो है वो मैं पूड़ी और पुए वगैरह बना लेती हूँ। Thank you.
करके रख गया है। अभी मैं बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी, क्योंकि इनके लिए लंच भी जो है वो तैयार करना है। तो पूजा में जो है वो वैसे बैंगन और आमिया और खरबूजा वगैरह चढ़ाते हैं, तो बैंगन एक्स्ट्रा ले आए थे कि सब्ज़ी भी बना देंगे। तो क्या है कि हम लोगों को निकलना भी है, मतलब शिफ्ट भी करना है, तो उतना ज़्यादा हम लोग सब्जी वब्जी ले भी नहीं रहे हैं, क्योंकि फिर रख के ले जाओ और दूर जा रहे हैं थोड़ा, तो टाइम भी बहुत पूरे दिन शिफ्टिंग में जो है वो लग जाएगा, फालतू में कुछ ख़राब वराब हो दब कुछ जाए, इसलिए ज़्यादा कुछ ले नहीं रहे। तो मैं जल्दी से जो है वो बैंगन आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। एक डालूँगी छोटा सा टमाटर, क्योंकि अब की बार हमारे टमाटर देसी वाले आ गए हैं, बहुत खट्टे टमाटर हैं। किसी भी चीज़ में डाल रही हूँ तो सब्ज़ी वगैरह बहुत ज़्यादा खट्टी हो जा रही है, तो मैं एक छोटा सा बस टमाटर जो है वो काटूंगी और वही डालूंगी। उसके बाद मैं खटाई वगैरह नहीं डालूंगी। अगर मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, जैसे इनकेस टमाटर नहीं है घर में तो टमाटर नहीं डालती हूँ, तो फिर मैं आमचूर पाउडर जो है वो थोड़ा सा बैंगन में डाल देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है, थोड़े से खट्टे बैंगन अच्छे लगते हैं और चावल से खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मुझे बैंगन का भरता भी अच्छा लगता है, बैंगन की सब्ज़ी भी पसंद है, तो चावल वगैरह से काफ़ी अच्छा लगता है। तो वही मैं जो है वो बना ले रही हूँ, और पूड़ी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है, तो इनको आज लंच में पूड़ी और बैंगन आलू की सब्ज़ी जो है वो मैं दे दूँगी, क्योंकि सुबह ही सुबह जो है वो सब कुछ तैयार हो ही गया है खाना, तो वही जो है ये लेके जाएंगे। तो फटाक से मैं जो है वो सब्ज़ी बना लेती हूँ, बस इसके बाद जो है वो मेरा काम किचन वाला जो है वो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। देन उसके बाद मुझे और भी बहुत सारा काम करना है, क्योंकि पूजा की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है। ये वाली पूजा में बहुत टाइम लगता है, पूजा करने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना इसकी तैयारी में टाइम लगता है। तो मैं जो है वो पहले पूरा काम कर लेती हूँ, जो भी मेरा किचन का काम है या जो भी पूजा की प्रिपरेशन करनी है, चौक बनाना है या वहाँ पे जो भी सामान वगैरह जो भी रखना है, वो सब मैं पहले सब कुछ कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं तैयार होने के लिए जाती हूँ। क्योंकि अभी देखिए गर्मियों का टाइम है, अभी किचन में काम करते करते ही मैं पूरा पसीने में हो गई हूँ, जबकि सुबह जल्दी मैं काम कर रही हूँ। अगर दोपहर हो जाए तो सोचो बहुत ही गर्मी लगती है, तो वैसे भी थोड़ा सा हैवी जो है वो कपड़े वपड़े करवा चौथ या इस पे बर्मावस पे पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसीलिए मैं पहले जो है वो सब काम कर ले रही हूँ। और अभी मैं लगा रही हूँ गमले में पेड़, तो पेड़ मतलब बरगद का जो डंडी मैं लेकर आई थी, मैं घर में ही पूजा करने वाली हूँ, तो बरगद की जो डंडी है वो हम लोग कल तोड़ के ले आए थे, और वही जो है वो मैं इस गमले में लगा दूंगी। तो बस मैंने मिट्टी भर दी है, एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं, लेकिन हम जो है वो लाते लाते ही बहुत लेट हो गए थे, और फिर उसके बाद हमने डंडी वंडी रख दी, कल भी थोड़ा काम था तो मैं थक गई थी, मैंने कल नहीं लगाई थी, तो बस इसमें इस तरीके से डंडी लगा लूँगी मैं, और इसी से ही जो है वो मैं पूजा कर लूँगी। तो ये जो आप फूल देख रहे हैं ना, ये बरगद में एक छोटा सा फूल होता है कली की तरह, इसको हमारे यहाँ जो है वो पानी से निकला जाता है, तो इसको मैं बहुत छोटा सा इसकी लेयर निकाल दे रही हूँ, छोटा सा कर दे रही हूँ, तो 11 चने और एक जो है वो ये निकला जाता है, इसको खटुआ या खटुआ कुछ ऐसे पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं, तो वो निकला जाता है। और अभी मैं यहाँ पे पीस रही हूँ चावल, चावल का पीठा तैयार कर रही हूँ जिससे चौक बनेगा, और पूजा में भी जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़े से मैंने जो है वो चावल पीस के रख दिए थे, ये पीठा वीठा बनाने के लिए मैं कनकी वाला जो चावल होता है ना, टुकड़ा चावल जो छोटा होता है, वो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं थोड़ा सा रखती हूँ अपने पास, कभी पूजा में ज़रूरत हुई तो मैं वही चावल जो है वो जल्दी से पिस जाते हैं, और छोटे छोटे भी होते हैं तो फटाक से जो है वो और किसी काम में लेती नहीं हूँ। तो तैयारी हो गई है, अब जो है मैंने ड्रेस जो है वो चेंज कर लिया है, क्योंकि मेरा सारा किचन का काम हो गया है, पूजा की तैयारी हो गई है, तो मैं फटाक से लगा लेती हूँ अपने आलता। तो मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने नीचे जो है वो कुछ बिछाया नहीं, वरना मैं नीचे एक कपड़ा बिछा लेती हूँ जिस पे पैर रख के आलता लगाती हूँ, जिससे फ्लोर जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि आलता का निशान जो है ना वो फर्श से बहुत मतलब मुश्किल से जाता है, तो ये देखो निशान लग भी गया, लेकिन फिर भी अब मैं लगा रही थी तो मैंने सोचा अब कौन ही जो है वो उठ के जाए, उतने में पता लगा और जगह भी जो है वो निशान लग जाएगा, तो इसलिए मैंने जो है वो अब सोचा लगा रही हूँ तो चलो लगा ही लेती हूँ। तो फटाक से जो है वो मैं आलता लगा लेती हूँ, और मैंने लगाई थी मेहंदी जो कि मेरे बिल्कुल भी नहीं रची है, और मुझे लग ही रहा था नहीं रचेगी, थोड़ा पुराना कौन था, पर एक दिन अभी आप लोगों को याद होगा बीच में मैंने अपने हाथों में ऐसे गोला बनाया था तो वो कौन रच गया था, पर ये वाला नहीं रचा, पता नहीं क्या ही है, तो मैंने सोचा अब नहीं लेती हूँ, जब मेरे पास रखा हुआ है तो वही यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन वो रचा ही नहीं।
हो गया है। अब ये मेरी पूजा की सारी तैयारी देखिए हो गई है, सब कुछ मैंने जो है वो प्रिपरेशन करके रख लिया। ये बना दिया छोटा सा चौक जिस पे रख दिया है मैंने गमला। तो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहना है एक स्कर्ट जो कि लहंगे की तरह ही है और टॉप। मैं आपको मेरे रहने दिखाती हूँ। अब मैं पूजा करने बैठ गई हूँ और जो भी पूजा करनी है वो मेरे पास लिखा हुआ रहता है डायरी में, करवा चौथ का और वट सावित्री का जो भी पूजा होती है वो मैं पूरा लिख लेती हूँ। पूछ के लिख लिया था मैंने एक बार ही, तो जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो डायरी खोल लेती हूँ क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं ना, तो हर चीज़ एकदम याद रहे। तो यहाँ पे वही मैंने आपको बताया था मीठा आटा जो होता है वो भी उससे ना क्रॉस बना के पूरे लगाए जाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ 12, उसके ऊपर वो जो पीठा बनाया है वो लगाया जाता है। तो वो थोड़ा सा मीठे आटे की चीज़ें कुछ 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 बनती हैं। तो बस मैं यहाँ पर जो है वो अपनी पूजा कर रही हूँ। बिजी थी सुबह से बहुत ज़्यादा, पूजा भी करी, फिर इनका ब्रेकफास्ट और चाय बनाई, फिर केशव को तैयार किया, पूजा वगैरह करी, तो उसमें काफ़ी लेट हो गया। अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ इनके साथ एक कप चाय पी थी और कुछ भी नहीं खाया है। तो बस अब मैं जो है वो ये सब चेंज करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे और वैसे भी मुझे ये सब बहुत ज़्यादा नहीं पहन मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और इससे आगे मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। अभी मैं सोऊंगी और उसके बाद दूसरा ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करूँगी। आज मुझे पैकिंग वगैरह करनी है क्योंकि हम लोगों को निकलना है, कपड़े वगैरह जो है वो भी मुझे अटैची में लगाने हैं, देन काफ़ी सारा काम है, घी भी बनाना है आज मुझे, तो आज मुझे ढेर सारे काम है, मुझे सब करना है। और अभी मैं थक गई हूँ तो मैं थोड़ी देर सोऊंगी भी, बहुत जल्दी की उठी हुई हूँ, तो थोड़ी देर मैं सोऊंगी, उसके बाद उठने के बाद काम करूंगी। और ये ना मैंने कल रात मेहंदी लगाई थी लेकिन मेहंदी मेरे बिल्कुल रची नहीं, कोन पुराना था तो वो पता नहीं क्या हुआ, रचा ही नहीं। और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे ये इन्होंने, मेरे पति देव ने जो है वो कुछ कुछ लिखा था इस हाथ में भी और इस वाले हाथ में भी, ये देखो आप पास से, तो उन्होंने इतने प्यार से जो है वो मेहंदी लगाई लेकिन वो रची नहीं। तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने आलता जो है वो घोल के लगा लिया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है, और इसको मैंने धो भी लिया और उसके बाद भी जो है वो ये छूट नहीं रहा है और अच्छा कलर एकदम बढ़िया मेहंदी जैसा आया है, तो सुंदर लग रहा है। तो ये भी अच्छा तरीका है, अगर मेहंदी नहीं लगा पाओ तो आलता लगा सकते हैं। तो वही मैंने जो है वो पूजा के टाइम लगा लिया था और सोचा कि ये क्या ही करूँ क्योंकि मेहंदी रची नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो रचेगी जब वो लगा रहे थे तभी।
तो बस ऐसा सा हो गया। मैंने घर में पूजा इसलिए करी थी, उसका एक रीजन ये था, हमारी सोसाइटी में जो बरगद का पेड़ है उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है मंदिर के साइड में पीछे, तो वहाँ पर पेड़ के आगे ना बहुत सारा मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, मतलब रेता बजरी वगैरह बहुत पड़ा हुआ है, तो उस पेड़ पे हम परिक्रमा नहीं कर सकते, धागा नहीं लपेट सकते थे। और एक मंदिर थोड़ा दूर है, वहाँ मैं और गई थी कल देखने के लिए, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, वहाँ कोई पूजा नहीं करता है, तो ऐसे मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इन पे सुबह टाइम नहीं होता है, मुझे अकेले जाना पड़ता। इसलिए कल हम लोग जो है वही पेड़ की थोड़ी डूंगी तोड़ लाए थे और वही जो है वो गमले में लगा के उसी से मैंने पूजा कर ली। तो जब मेरे पास ऐसा होता है कि मैं नहीं जा सकती हूँ मंदिर, या मंदिर मतलब दूर है कुछ भी है, तो फिर हम घर में डंडी लगा के ऐसे पूजा कर लेते हैं। तो बस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।